आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोस के द्वारा रिजल्ट निकाला गया है कश्मीर डिवीज़न के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो क्लास ट्वेल्थ की बात कर लें चाहे टेंथ की बात कर लें, जो भी कश्मीर डिवीज़न के स्टूडेंट हैं एनुअल प्राइवेट चाहे बाई एनुअल प्राइवेट 2021 सेशन के, तो उनका रिजल्ट जेके बोस के द्वारा डिक्लेयर कर दिया है। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअली जो जेके बोस ने जो रिजल्ट निकाला है वो कल निकाल दिया था, कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना सका और मैं आपको अपडेट नहीं कर सका। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, अपनी मार्कशीट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तब भी आप अपनी मार्कलिस्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जेके बोस का जो भी मैसेज होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे रीअपेयर हुए हैं, तो उन्होंने फॉर्म कितने दिन तक अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी फिल करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ जहाँ पर जो क्लास ट्वेल्थ जो प्राइवेट स्टूडेंट्स थे उनका जो पास परसेंटेज जहाँ पे रही है अप्रॉक्सीमेटली जहाँ पे हम अगर बात करें तो 80% जहाँ पे बच्चे जो पास हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। सिंपली आपने अपने फ़ोन या लैपटॉप से किसी ब्राउजर को ओपन करके उसकी सर्च बार में आपने टाइप करना है जेके बोस टाइप करेंगे, आपके सामने पहला ही जो लिंक आएगा jkbose.nic.in आपने जहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे हमारे सामने जेके बोस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो जहाँ पर जेके बोस के द्वारा पहले से ही जहां टॉप पे भी आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट में रिजल्ट ऑफ हायर सेकेंडरी पार्ट सेकंड क्लास ट्वेल्थ एनुअल प्राइवेट बाय एनुअल 2021 कश्मीर डिवीज़न, आपने इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पहला ही लिंक है। तो आप जहाँ पे चाहे वो एनुअल प्राइवेट हैं चाहे बाय एनुअल 2021 कश्मीर डिवीज़न के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट जहाँ पे जेके बोस के द्वारा निकाला जा चुका है। तो सिंपली मैं आपको बताऊँगा कि आपने जहाँ से अपना रिजल्ट कैसे देखना है। चलिए मान लेते हैं हम क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, तो आपने पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पहला लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन, तो जहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे सर्च बाय रोल नंबर। अगर आपके पास आपका 8 डिजिट का रोल नंबर है तो आप जहां पे एंटर करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर आपके पास आपका रोल नंबर नहीं है तो आपने घबराना नहीं है, आप सिंपली अपना फर्स्ट नेम जहां पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद सिंपली आपको दिया गया जो कैप्चा है ये कैप्चा आपने हूबहू इसमें एंटर करना है। अगर कैप्चा पढ़ने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपने इस पर क्लिक करके अपने कैप्चा को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जहाँ पर कैप्चा हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी कैप्चा जिसको आप आसानी से पढ़ सको तो सिंपली आपने उसी कैप्चा को जहां पे टाइप करना है। चलिए फॉर एग्जांपल जहां पे हम एक स्टूडेंट का जहां पे नाम एंटर कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम किसी एक स्टूडेंट का नाम जहां पे एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद सिंपली आपने अपना कैप्चा जहां पे जो दिया है उसको आपने जहां पे टाइप करना है। आपके सामने मैं कैप्चा भी जहां पे टाइप कर रहा हूं, टाइप करने के बाद सिंपली आपने जहां पे चेक कर लीजिए कि हमने जो कैप्चा है वो बिल्कुल सही टाइप किया है। टाइप करने के बाद आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने जहां पे रिजल्ट आ जाएगा, तो जहां पे आप देख सकते हैं जिस भी नाम से आपने सर्च किया उस नाम के जितने भी कैंडिडेट आ जाएंगे, तो आपने उसके सामने अपनी पेरेंटेज देख लेनी है। जो भी आपका सही रिजल्ट होगा तो सिंपली आपने जहाँ पे सबसे पहले व्यू रिजल्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो चलिए जहाँ से हम एक व्यू रिजल्ट पे जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे हमने व्यू रिजल्ट पे क्लिक किया तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपके सामने आ जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हायर सेकेंडरी पार्ट सेकंड। इसी तरह क्लास ट्वेल्थ का भी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा और जहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जहाँ पे आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, फैकल्टी कॉमर्स आर्ट्स साइंस जो भी आपने रखा है, उसके बाद आपकी जो पूरी मार्कशीट होगी वो आज जहाँ पे आ जाएगी, जिस तरह से आपको जहाँ पे मार्क्स मिले हैं, उसके बाद आपकी जहाँ पे डिस्टिंक्शन आई है रिजल्ट आ जाएगा, आउट ऑफ 500 में से आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं और रिजल्ट की डेट आप जहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम बताया होगा, अब जहाँ से आपको अगर आपकी मार्कशीट आपने डाउनलोड करनी है तो सिंपली आपने डाउनलोड करने के लिए भी प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो जहाँ पर आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी तो जहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपकी ये मार्कशीट है, तो आपने सिंपली यहाँ पर राइट साइड पर आपको एक PDF का ऑप्शन दिख रहा है तो आपने PDF के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप में आपकी मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन का जहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन कर लिया है, तो आप जहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप देख लेंगे कि आपकी जो मार्कशीट होगी वो 5 अगस्त टाइमिंग भी जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कब डाउनलोड हुई। तो जैसे आप इस पे क्लिक पर आप देख सकते हैं जो हमारी मार्कशीट है वो जहाँ पे ओपन हो चुकी है, और इस तरीके से आप अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। जेके बोस का कहना है कि
जैसे कल 4 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है क्लास 10th और 12th का, विद इन 15 डेज जिन बच्चों की रीअपियर आई है तो उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी फिल किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उनको फिल कैसे करेंगे और अपने स्कूल में आपने कैसे उनको सबमिट करवाना है, क्योंकि जो भी आपके फॉर्म होंगे वो ऑफलाइन मोड में ही सबमिट किए जाएंगे स्कूल में, आपको ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल नहीं करना है। जो बच्चे इस रिजल्ट में पास हो गए हैं उन सबको कंग्रेचुलेशन, इस रिजल्ट में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं तो आपने निराश नहीं होना है, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं, आपने इससे भी अच्छी मेहनत करके फिर अपने एग्जाम में अपीयर होना है। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी वैल्यूएबल रही होगी। इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको आपके रिजल्ट को चेक करने में कहीं पर भी कोई परेशानी आ रही है आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर सेंड करें, मैं आपको आपकी मार्कशीट डाउनलोड करके सेंड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट के साथ।